जीडीपी ग्रोथ, आपका पॉलिसी रेट लेस देन 6%, जब मियां नवाज ने छोड़ा, जब शाहिद खाकान साहब ने 2018 में छोड़ा तो ये तकरीबन 6.25 था, मियां साहब ने 5.25 था जब मैं और उन्होंने छोड़ा। तो बात यह है कि वो बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया, फिफ्थ बेस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो अभी तक आज तक नहीं टूट सका रिकॉर्ड। तो यू नो दैट्स वाई पाकिस्तान की प्रोजेक्शन जो ग्लोबल अथॉरिटी प्राइस वाटरहाउस कूबर्स ने की कि द वे दिस कंट्री हैज टेकन ऑफ 3 साढ़े 3 साल में, कहते थे 10 से 12 साल लगेंगे, 3 साढ़े 3 साल में वहां पहुंच गया जहां दुनिया की 24वीं मईशत, तो तमाम इंडिकेटर ठीक थे, मैक्रो इंडिकेटर्स। और क्या था मैसेज? मैसेज ये था कि जी पाकिस्तान इसी तरह चला तो चंद सालों में ये पार्ट ऑफ जो प्रीमियम क्लब है G20, जो लार्जेस्ट 20 इकोनॉमी था दुनिया की, यू नो उसमें हमारा गोल था और होना चाहिए। लेकिन मैंने रात भी ऑडियंस को कहा कि मुझे छोड़ें, आप सिर्फ ये पूछें कि हमने 2018 के बाद हमने क्या किया, किधर पहुंचे हम। मुझे कोई किसी को इंडिविजुअल ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, यू बी द जज एंड डिसाइड। आप 24वीं इकोनॉमी से 47वीं इकोनॉमी गिर के पहुंच गए, अब 47वीं से 20 20 में जाना टॉप 20 में और 24 में 20 में जाना, यू कैन सी द डिफरेंस। इसी तरह जो सेकंड बिगेस्ट जो ब्लंडर हुआ वुड से, देखिए जब 2013 के इलेक्शन थे, आई एम टॉकिंग जनवरी फरवरी 2013, तो क्या था इंडिकेशन के जी जो भी इलेक्ट होगी पार्टी, ये मुल्क 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करे, पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड मैक्रो इकोनॉमी अनस्टेबल कंट्री, और कहते थे 10 से 12 साल लगेंगे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? पाकिस्तान में बहुत रेजिलियंस है, सिर्फ काम हार्ड वर्क की जरूरत है, ईमानदारी के साथ। और हमने जो पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने नो नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी, मीन्स ये थी जो उस वक्त रिपोर्ट थी, हमने क्या क्या हमारा मंशूर था मियां नवाजी साहब की क्यादत में, 3 E's में उसे कहा करता था, इकोनॉमी इसको फिक्स करेंगे, एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म का खात्मा करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी ये 18 घंटे की लोड शेडिंग इंशाल्लाह खत्म करेंगे। मियाँ साहब ने कहा था अपने टेन्योर में तीनों काम करके हम इंशाल्लाह कौम को ये तोहफा दें। आपने देखा कि इकोनॉमी तो फिक्स हो गई 3 साढ़े 3 साल में, दुनिया हर दुनिया का दायरा रेटिंग कहाँ से कहाँ चली गई, हर दुनिया पाकिस्तान को प्रेज कर रही थी, पाकिस्तान इज लाइक द सेकंड चॉइसेस प्लेस इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फील्ड। कहाँ पहुंच गए? 47th इकोनॉमी। दिस इज व्हाट वी गेन इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। उसके बाद दी अनफॉर्चुनेट पार्ट इज द सेकंड सीरियस, मोस्ट सीरियस जो है इशू और कंसर्न जो है वो दैट इज टेररिज्म। वो उस वक्त दर्जनों हर महीने की एवरेज थी, धमाके होते थे और लोग शहीद होते थे, और APS जो था वो तो वर्स्ट था कि 100 से ज्यादा मासूम बच्चे बेचारे शहीद हो गए पेशावर में। उसके बाद एक बहुत मुश्किल फैसला मियां नवाजी साहब की क्यादत में मुस्लिम लीग नून ने किया, और वो क्या फैसला था कि जी वी विल टेक देम हेड ऑन। ये बाय द वे ये वेस्ट की एक विश लिस्ट थी, मैं उन मीटिंग्स में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने अटेंड की हुई है 10 डाउनिंग स्ट्रीट या व्हाइट हाउस में, जिसमें ये विश लिस्ट थी कि क्या पाकिस्तान कभी नॉर्दर्न एरिया में फाटा और दूसरे इलाकों में टेररिस्ट को हेड ऑन लेगा, ये उनकी विश लिस्ट थी। और मियां नवाज शरीफ साहब की क्यादत में हमारी हुकूमत ने 2014-15 में फैसला किया कि यस वी विल, वी टुक देम ऑन हेड ऑन। कोई सस्ता काम नहीं था, करीबन 100 बिलियन रुपीज पर एनम की कॉस्ट थी, और उसका नतीजे में जरब अजब हुआ नॉर्दर्न एरिया में, कुछ लोग भाग गए जो TTP के अपना हजारों में अफगानिस्तान, और कुछ इनसाइड विद इन द कंट्री भागे, विद इन द कंट्री क्लीन अप करने के लिए रद्दुल फसाद शुरू किया गया। कराची में जो 8 बजे के बाद लोग इतनी इनसिक्योरिटी थी कि बाहर नहीं निकलते थे, उसकी रोशनियां बहाल करने के लिए क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किए। कई मीटिंग मैंने जनाब मियां मोहम्मद नवाज साहब की क्यादत में अटेंड की कराची में जाके लॉ एंड ऑर्डर के। तो बात यह है कि बिल्कुल आपने देखा कि 2017-18 का स्टैटिस्टिक उठा लें और 2012-13 के उठा लें, यू कैन सी द डिफरेंस। ये हार्डली 3-4% पे आ गया, जो अगर 100 एवरेज होती तो 3-4 पे रह गए, अभी वर्चुअली इट वॉज यानी अंडर कंट्रोल एंड वैनिश्ड, बट एट बिग कॉस्ट। अब क्या किया जी हमने अगले 3-4 साल में, अपना शौक पूरा करके एक अच्छी भली गवर्नमेंट को
यानी मैनिपुलेट करके पीएमएलएन के मैंडेट को और मियां नवाज शरीफ साहब को निकाल के फिर हमने क्या किया, क्या देखा अगले 4 साल हमारे एक 3 स्टार जाते हैं। आई एम श्योर के विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम गए होंगे ना, जाते हैं कॉट ऑन कैमरा, कहते हैं मैं कोई नथिंग बिग, ये एवरीथिंग विल बी फाइन, आई हैव कम हियर जस्ट फॉर अ कप ऑफ टी। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। मैंने रात अपने डायस्पोरा को ये याद करवाई बात और शेयर किया, ओवर 100 हार्डन क्रिमिनल्स वर रिलीज्ड, जो कि आज कमांडर बने हुए हैं, जो आज जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं बलोचिस्तान में, केपी में, दे आर द मास्टर माइंड राइट नाउ। 35,000 से 40,000 जिको जी खोल ले जी, रिकंसिलिएशन के नाम पे आने दें। 35 से 40,000 जो भागे हुए थे यहाँ पिछले कई सालों, 4-5 साल से आफ्टर सर्वे असफ एंड अब्दुल फसाद, दे केम बैक टू पाकिस्तान। ना हुम टू ब्लेम, ये सारा वो किया धरा है। अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो आप टेरिस एक्सीडेंट से इंसिडेंट देख रहे हैं, वो ये वो लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारे लिए दोबारा इकोनॉमिक चैलेंज है इस गवर्नमेंट के लिए, और हमारे लिए दोबारा एक्सट्रीमिज्म का चैलेंज है, और बिजली का चैलेंज फ्रॉम डिफरेंट यू नो एस्पेक्ट से है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट नाउ, लोड शेडिंग तो नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का रिजॉल्व है, इस गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि हम तीनों से दोबारा लड़ेंगे और तीनों को इंशाल्लाह हम रिजॉल्व करें। ये इज नॉट ईजी थिंग। ये मैं कहा करता हूँ कि ये बिजली का स्विच ऑन ऑफ बटन नहीं है कि बस ऑन कर दिया ऑफ कर दिया। यू नो टेक्स टाइम, इट टुक 3.5 years टू फिक्स द इकोनॉमी, इट टुक 400 billion एंड ऑलमोस्ट 3 years टू क्लीन अप, यू नो क्लीन अप द टेररिज्म। लेकिन आने वाले लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते थे। तो मैं समझता हूँ कि जो जो डैमेज हुआ है वो दैट इज पेनफुल, और वो हमें रियलाइज करना चाहिए। मुझे कल आप उधर थे, हमने देखा कि आउट ऑफ 400 people मैनी पीपल केम एंड सेड कि हमें तो इन चीजों का पता नहीं था। तो मेरी गुजारिश ये है कि मीडिया शुड, मैं नहीं कह रहा कि किसी की पॉलिटिकल पब्लिसिटी आप करें किसी जमात की, तो फॉर हेवन सेक शेयर विद योर ब्रदरन, विद योर को नेशनल्स, उनको आप बताएं तो सही ना कि चीजें क्या थी और कहां चली गई, पाकिस्तान की क्या तबाही कहां हो गई। हम अपनी गलती को तो तस्लीम करें। और फिर वो जो 9 मई का वाकया, वो तो इज नॉट कंडोनेबल। देखें, जब आप स्टेट के खिलाफ प्रवोक करते हैं और कहते हैं कि आप सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को अटैक करें, आप उन जगह को जाके अटैक करें जो पाकिस्तान के सिंबल हैं, GHQ को, जिना हाउस को, सर्वोदम इंस्टॉलेशंस को, दैट इज नॉट कंडोनेबल। मेरे जैसा बंदा भी जो बिलीव्स इन रिकंसिलिएशन एंड हैज बीन प्रैक्टिकली फॉलोइंग रिकंसिलिएशन इन द पार्लियामेंट द लास्ट 30 years,